वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर कोरोना के ताज़ा आंकड़ों से जुड़ी हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 3,46,786 हो गया है। आपको बता दें कि आंकड़ा पिछले 3 दिनों से 3 लाख के पार है। अब जो 24 घंटे में नए मरीजों की तादाद आई है 3,86,786 हो गई है, 3,46,786 हो गई है, जबकि 2,624 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण की वजह से मृत्यु हुई है। इस वक्त जो आपको बड़ी खबर, हमारे देश में लोग अक्सर कहते हैं एक से भले दो। आज हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, एक से भले दो। और आप याद रखिएगा इस बात को, अभी आप अपना मूल मंत्र बना लीजिए अगले कुछ हफ्तों तक या महीनों तक। एक, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि मास्क आपके मुंह और नाक दोनों को बहुत अच्छी तरह से कवर करे, ढक कर रखे। अभी आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जिनका मास्क खिसक कर नाक से नीचे चला जाता है। वो एक दो बार तो इसे ऊपर करते हैं लेकिन फिर थक कर मास्क को वहीं छोड़ देते हैं और इससे उनके संक्रमित होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मास्क की फिटिंग बहुत जरूरी है। इसे आप इस तरह से समझिए कि अगर आप मीडियम साइज की शर्ट पहनते हैं और आप बाजार में जब जाएं और दुकानदार आपको डबल एक्सेल की शर्ट दे दे, यानी आपके साइज से कहीं ज्यादा बड़ी शर्ट दे दे, तो क्या आप उसे पहनेंगे? शायद आप नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो साइज आपका है ही नहीं। यानी जैसे कपड़ों की फिटिंग जरूरी है, ठीक वैसे ही आपके मास्क की फिटिंग भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप एक की जगह दो मास्क लगाएंगे, यानी डबल मास्क लगाएंगे, तो आप खुद को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से अब भी बचा सकते हैं। और वो कैसे, इसे आप सरल भाषा में अब समझिए ध्यान से। कई नई स्टडीज में यह बात सामने आई है कि इस बार कोरोना वायरस का नाम हवा में काफी देर तक बना रहता है। ऐसे में अगर आपने सही से अपने चेहरे को कवर नहीं किया है तो यह कोरोना वायरस हवा में मौजूद होता है और यह हवा के जरिए, आपकी सांसों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए आपको अब इससे डबल मास्क लगाकर ही बचना होगा। इससे बचने के लिए आपको डबल मास्क यानी एक के ऊपर एक दो मास्क पहनने हैं। CDC के एक नए अध्ययन में बताया गया है कि अगर लोग दो मास्क पहने तो इससे कोरोना के मामलों में तो